कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, ग्राम भूरी, ग्राम भूरी से गणेश सिंह बोल रहा हूँ सर। ग्राम भूरी से, ये कहाँ पड़ता है? हेलो सर, आप टावर में आ जाओ थोड़ी। जी भैया, टावर में आ जाइए, बात कर रही है। अच्छा जी, बताएं। हेलो, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है सर। जी बताएं। हम ये, जी सर, मैं हम ये बताना चाहते हैं कि ये पंडुकर महाराज है जी, तो ये हमारे सामने से छल किया था, हमारे साथ छल किया था। क्या छल किया था सर? आप देख, मेरी बात विश्वास रहो तो आप देख लेना, हम बताए इसने मेरे साथ क्या छल किया था। आपको रिकॉर्डिंग करना हो कर लो, उसी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, मैं 7-8 साल पहले में है, 6-7 साल पहले में गया था इनके साथ, इनके आश्रम के लिए। तो मैं वहाँ पे गया, मैं पूरा नक्शा बता सकता हूँ, और हम बता दे रहे हैं आपको, कभी भी कहीं से भी किसी भी देख लेना, आप गूगल से कहीं से भी देख लेना, मैं बता देता हूँ एक सेकंड में। जी जी, आप जाओगे सामने गेट पड़ेगा, गेट के दाहिने साइड उनकी बड़ी सी लेटरिंग है, सेफ्टिंग है, और वहीं पे बड़ी नहानी है। थोड़ी आगे जाओगे है ना, उनके मंदिर का पूरा नक्शा हम बता दे रखे हैं सर, ये आपको विश्वास ना हो। आप थोड़ी और आगे जाओगे तो डेरी साइड शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी बाहर बैठे हैं, और शंकर जी के सामने हनुमान जी का मंदिर है, और हनुमान जी के मंदिर से बगल में उनका जो टम्पा है, जहाँ पर बैठ के पूरा प्रवचन करते हैं, पंडाल लगाते हैं, और उनके सामने मतलब बीच में एक ग्राउंड है जी, और शंकर जी के बाजू से कमरे बने हैं जहाँ पे जब यज्ञ होता है तो वहाँ पे कार्रवाई होती है। मैं इनके सामने गया था, तो इनने क्या किया था सर, ये मन की बात नहीं जान पाते हैं सर, ऐसा मूड बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में सर। जी बताएं। अब सर जो अपन जैसे वहाँ पे उनके हजारों आदमी है, वहाँ पे अपन थोड़ी लड़ सकते हैं उनसे सर, बताओ आप। हाँ नहीं, लड़ कर सकते हैं भाई, अकेला आदमी जाता है। हाँ, तो वहाँ तो अपन बोल नहीं सकते। इनने क्या किया था मेरे साथ छल, मेरे, मैं दोस्त को लेकर गया था, दिव्यांग है दोस्त है ना, तो दोस्त के तो 100 रुपए लिए थे, बाकी सभी लोगों से 2100 रुपए लिए थे। अब हम लोग गए, हम लोगों को शाम तक आया नंबर, हम लोग सामने गए, तो पहले भाई साहब गए, फिर वो भाई साहब के साथ में उनने बोला कि कोई है इनके साथ, तो मैं गया, तो मैं गया सर, तो फिर इनने पहले क्या लिखा उसमें पत्र में इनने पहले लिखा, आज सोमवार है, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कृपा रहेगी, और इसी प्रकार की कृपा रहेगी, माता की कृपा है, आपको नौकरी ये हो जाए, और ऐसी ही इनने 3-4 बातें लिख दी। तो इनने 3-4 बातें लिख दी, और फिर कहा, ऐसा फिर पूछा कि तुमको क्या समस्या है। ठीक है, अब भाई साहब हम लोग तो गए थे केस के लिए जी, हमारे दोस्त का था केस, केस का उनने उसमें लिखा नहीं, फिर उनने क्या चालाकी करी सर, देखो हम बता रहे हैं, आप समझिए, एक सेकंड में समझ लीजिए आप। बताइए क्या करते हैं, जो पर्चा फिर देखिए, देखो हमने ये लिखा, ऐसा करते हैं सामने, तो पहली बात तो व्यक्ति वहाँ पे सर पढ़ नहीं पाता है, और जल्दी ऐसा बाजू में कर लेते हैं है ना, ऐसा करते हैं, देखो यही लिखा ना, यही लिखा ना, और फिर कर देते हैं, फिर जल्दी ऐसा वापस कर देते हैं, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद फिर से एक दो पॉइंट लिखते हैं कि केस, या एक एक पॉइंट में वहाँ संक्षिप्त में पूरी बात लिखते हैं, जैसे केस के बारे में तो केस बस लिख दिया, उसके बाद केस लिखा था। आप अब देखो हमारी बात को आप मानो या सर ना मानो, अब हम बता रहे हैं जो आपके ऊपर गुजरा है, आप बता सकते हैं, आप ही गए, आप बता सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास ना हो तो हम बता दे रहे हैं आपको, आपको कैसे, आप उसको कैसे देख सकते हो, आप वीडियो देखो, आप है ना, आप वीडियो देखोगे तो वही करेंगे, फिर से वही करेंगे, उनकी उचाला ही है, पहले कुछ लिखा पे देखते हैं, सोमवार है आज 2021, दिन डाल दी, सोमवार डाल दिया, माता रानी की कृपा रहेगी, दो साल और लिख दिया कि हमारी 5 पेजी है, 8 पेजी जो कुछ उसमें ऐसा लिखते हैं, फिर पूछते हैं कि तुमको, और जैसे कोई लड़का दिखा तो उसमें लिख दिया रोजगार, लड़की दिखा तो शादी, इस प्रकार का, या फिर पूछते हैं कि तुम्हारा क्या, फिर जैसे आदमी ने तुम्हारा
ये है, तो फिर ऐसे अब सर वहाँ मुझे पढ़ने के लिए नहीं जाता, वो तो मैं इतना एजुकेटेड हूँ और मैं खुद समाज सेवा का कार्य करता हूँ, है ना। तो अभी सर, अभी जैसे अभी सर शिवपुत्र महाराज जी ने बहुत बड़ी देश के लिए सरकार तक नहीं काम कर रही, वो सरकार में भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी वो करी, तो हमें अब लगा कि भाई हमको बताना चाहिए। अब अपन तो गांव के आते हैं एक नॉर्मल से। एंग्लो इंडियन न्यूज चैनल सबके लिए स्वागत है, जो भी अपनी बात रखना चाहता है वही चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आदमी अपनी बात रखता है। जी जी, तो मैंने कहा सर से बता दें ये बहुत बड़ा ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। जी जी, तो समाज सेवा होना चाहिए। जी, आप कभी भी देख रहे उनके वीडियो दोबारा बाद में दोबारा लिखेंगे, है ना। पहले अब अगर तुम एक पलक झपकते के लिए देख लो पढ़ ले, वहाँ कोई पढ़ने के लिए थोड़ी जाता है सर, है ना, वहाँ नहीं पढ़ पाता है सर। हमको वो तो हमने हमारा इतना टैलेंट है हमारी सर, हमारे मतलब MSc है, ये सब BEd है, सब कुछ हमने पलक झपकते पढ़ लिया, हम जानते थे कि हम पहले से जानते थे कुछ, तो कुछ कारण गड़बड़ है। सच्चा क्या मतलब है भाई, गड़बड़ को समझ पाना। मतलब हमें उसको एक सेकंड में, उनने एक सेकंड थोड़ा सा बताया उतना ही पढ़ लिया जी, और मैंने जैसे पढ़ने की कोशिश करी कर लिया, ऐसा कर लिया लेकिन मैंने पढ़ लिया था सर, है ना। तो ये छल है, अब आप वो मतलब आप उस पे आप उनकी वीडियो में देखो, आपको पूरा छल पता चल जाएगा। नहीं वो पता रहता है, वो तो लोगों को उनके सामने बोल देती, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा बोल देती। मैंने कहा यार आप सोच रहा था कुछ गलत होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए भाई, अगर वास्तव में कहीं गलत है तो उसका निश्चित तौर विरोध होना चाहिए। वास्तव में सर मैं पूरा नक्शा बता दिया मैंने। हेलो, आपको ऐसा महसूस हुआ है? हेलो, हाँ सर, हाँ मैंने पूरा नक्शा बता दिया और बता दे रहे। ठीक है, आप अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम गणेश सिंह लोधी है जी, कहाँ ग्राम भूरी जिला दमोह का हूँ, भूरी जिला दमोह। अच्छा, तो आप वहाँ गए थे? पंडित दरबार जी, मैं मेरा दोस्त गया था, मैं साथ में गया था। मेरा दोस्त जो दिव्यांग है वो गए थे। कब गए थे? ये हो गई सर 6-7 साल हो गई। अच्छा अच्छा जी, तो उनका तरीका थोड़ी बदला, तरीका सर वही हुआ। तो ठीक है, मेरे सामने जो उनने चाल चली जी, चल गया तो मुझको पूरा पता चल गया। तो मैंने सोचा कि अब बताना जरूरी है, अब ऐसे हम कौन को बताते हैं, लोगों से कहते रहते ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ जागृति फैलाते हैं लोगों में जी। कल परसों मीटिंग रखी थी मैंने। अच्छा, हेलो, हाँ ठीक है, सुना है। मैंने परसों मीटिंग रखी थी। अच्छा, जी के बारे में, पंडुखर महाराज की बारे में, लेकिन वो मीटिंग में कम लोग आए तो वो वीडियो नहीं बन पाया ना, वो वीडियो बना के भेजता मैं जी। तो मैं आज बैठा था, पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने सोचा आज आपको फोन लगा के बोलेंगे। ठीक है, आपकी बात जैसा भी है लोगों के सामने रखी जाएगी। आप श्रोताओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्रोताओं से जो भी आपकी बात को सुनेगा। जी जी, श्रोताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी प्रकार के इस प्रकार के लोगों पर विश्वास बिल्कुल ना करें। आप यदि इन लोगों के पास कोई शक्ति है या बागेश्वर महाराज या पंडुखर महाराज, तो आप ये क्यों पैसे देते हैं एक ही बार में? क्यों नहीं एक ही बार में ठीक हो जाता है लोग। और मैं यह भी श्रोताओं से कहना चाहता हूँ कि मैं गया था वहाँ पर, मैंने एक दो लोगों से नहीं, कम से कम 8-10 लोगों से मैंने इस पर चर्चा की थी, तो उनने ये बोला था कि भाई किसी लोगों का ठीक हो पाता है, किसी लोगों का नहीं हो पाता है। मैंने खुद पूछा सभी लोगों से, भाई क्या हुआ तुम्हारा। सभी लोगों से मैं यही करता रहा, क्योंकि अब मेरी शिक्षा है, तुम्हारी शिक्षा का प्रयोग सभी को करना चाहिए। तो वहाँ पे ये बोला भाई किसी का होता है कार्य, किसी का नहीं होता है। तो फिर इसी से मुझको समझ में आ गया कि भाई जब किसी का होता है किसी का नहीं होता है। फिर मैं ऑटो से आया, मैं दतिया से ये गया था, फिर ऑटो से मैं आया, ऑटो में पूछता रहा, भाई बोल रही थी, रो रही थी कि भाई मेरे तो कई बार आ चुके यहाँ पर लेकिन काम नहीं हुआ है। इसी प्रकार आप लोग जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। 10-10 पीसी हो रही है, 20-20 पीसी हो रही है,
सकते हैं तो एक ही बार में करो ना, एक ही बार में ठीक करो आप एक, और जैसे तुम्हारा ठीक हो भी रहा है तो कम क्यों रहा है, यदि शक्ति है तो पूरा ठीक होना चाहिए। परेशान आदमी जाता है तो और ना परेशान किया जाए, क्या सर परेशान आदमी जाता है उसको और ना परेशान किया जाए भाई। हाँ एक ही बार में करो ना ठीक है, आपकी बात तो सकती है, आप दवा थोड़ी कोई दे रहा हो खुराक दे रहे हो कि 10 दिन बाद फिर टेस्ट होगा इसमें क्या बदलाव आ रहा है, शक्ति से आप प्रयोग कर रहे हैं ना जी, आपके पास बड़ा जी शक्ति है, एक ही बार में ठीक करो। हमारे लोग हैं अशिक्षित है, उसका फायदा उठा रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित लोग कार्य कर रहे हैं, मैं भी कार्य करता हूँ। अब आज मैंने आपसे बात करी तो मैं कह रहा हूँ लोगों से भाई कि आप उसको समझो, लोगों को मतलब समझ बूझ के काम करना चाहिए, है ना जी, मैं यही कहना चाह रहे हैं ना जी। जी अपनी बुद्धि को थोड़ी जागृत करो, उनके पास शक्ति होती तो एक ही बार में ठीक कर देती, क्यों बार बार पीछे पीसी में पसंद हो। ठीक है और कुछ? ठीक है ग्यारह आपकी बात लोगों के सामने रखते हैं हम जी। जी ठीक, नमस्कार नमस्कार।